मेरा सवाल था ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड पर, हाँ जिसका मैंने 50 शेयर्स लिया था, तो 30 शेयर्स में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, तो मैंने 439 पे लिया था शेयर। अभी 20 शेयर है। लॉन्ग टर्म व्यू में इस शेयर की आउटलुक चाहती हूँ, क्योंकि इसकी डाटा बहुत ज्यादा नहीं है। तो अब क्या करना चाहिए, कितने दिन तक होल्ड किया जाए इस शेयर को लॉन्ग टर्म के ठीक है, मैं समझ लिए? गया। अच्छा ये बताओ, आप पहले तो आज स्कूल नहीं है क्या? नहीं, आज छुट्टी लिया है। अरे वाह, हमारे लिए? अरे हाँ वाह। अच्छा भाई, गौरांग सर, पोशाली मैम ने ग्लोबल हेल्थ लिया, मुनाफा बांध लिया, बचे 20 शेयर रखे हुए हैं, वो भी बढ़िया नीट मुनाफा कमा के दे रहे हैं। रखे रहूं क्या? देखिए, यहाँ पर भी आशीष, अगर आपको लग रहा है कि आपका मुनाफा आपको मिल रहा है तो मुनाफा समेटना चाहिए। शेयर बाजार में लालच बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, ये अक्सर हम कहते हैं। और ये कंपनी हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर रिलेटेड जुड़ी हुई कंपनी है आशीष, स्पेसिफिक कवरेज नहीं है। लेकिन मैडम, अगर मुनाफा समेटते हैं और अगर ये पूंजी फिर से निवेश करनी है मैम आपको, और आप इसी हेल्थ केयर रिलेटेड सेक्टर में निवेश करना चाहती हैं, तो हॉस्पिटल्स रिलेटेड तीन कंपनियां हमारी कवरेज में। पहली है अपोलो हॉस्पिटल, दूसरी है नारायण हृदयालया और तीसरी है फोर्टिस हेल्थ केयर। और अगर आपको यहाँ से निकल करके कोई अलग क्षेत्र में निवेश करना है, तो मेरी राय में बैंकिंग सेक्टर एक बेहतरीन विकल्प होगा मैम। और वहां पर आप एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, तीनों में से कोई भी दिग्गज निजी क्षेत्र की बैंक पसंद कर सकती है। ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। मैम, हॉस्पिटल में क्या पसंद आता है वो भी, और एल्स सबसे प्रेफर्ड पॉकेट कौन सी है शायद इस समय? गौरांग सर, ग्लोबल हेल्थ मान लिया, मुनाफा बांधा, कौन सा एक बैंक जहां पे सारा पैसा ले जाऊं, मतलब स्टॉक में? स्वाभाविक है, निवेश करेंगे आप आशीष, तो मेरे ख्याल से एक्सिस बैंक एक बेहतर विकल्प है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।